अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है मिता बनाबिया ब्लॉग में आप सभी का। तो मुझे जाना है एकदम जल्दी में राशन ऑफिस, ई के वाई सी क्या है, उसमें क्या प्रोसीजर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं जा रही हूँ राशन ऑफिस। सफ़ी का तो यहाँ हम लोग का क्या है, हमारे एरिया से नहीं हुआ तो हमको मेन ऑफिस में जाके करवाना है ई के वाई सी। तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी देर में मैं बता दूंगी ऑफिस पहुंच के, राशन ऑफिस क्या हुआ कैसे हुआ। तो चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम लोग आए हैं केवाईसी, हम लोग केवाईसी करवाने के लिए, राशन कार्ड की ऑफिस है ये, लेकिन अभी तक खुली नहीं। 11 क्या पता 11 बजे खुलती है कि 11:30 बजे खुलती है, नहीं मालूम। उस दिन भी हम लोग आके गए, सफ़ी का हो गया था, अनाबिया मेरा और इसके पापा का रुक गया था ना। अनाबिया का हो रहा है मूड ख़राब। गाइस लोग तो कहाँ कहाँ केवाईसी चालू है ज़रूर बताना, और आप लोग कहाँ से ये भी बताना कमेंट में। तो ये इतनी बड़ी टोकन की लाइन है, 11 बजे खुला है ये राशन ऑफिस। अब देखो हम लोग यहाँ से कितने बजे तक के निकलते हैं, कितनी देर में, फिर घर जाके बनाऊँगी व्लॉग। हम लोग आए थे केवाईसी के लिए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि सुबह 7 बजे आने का वो कोई ऑफिसर लिखता है सबका टोकन, फिर उसके बाद वो अंदर एंट्री होती फिर अंदर जाने का। लेकिन इन लोगों को लिख के लगाना चाहिए था, कितनी सारी बेचारी पब्लिक कहाँ कहाँ से आ रही है। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। वे गए तो हैं इसके पापा, और हम लोग को कम से कम 2-2.5 घंटा हो गया आगे। अभी तक हमारा नंबर आया नहीं, मैं कब घर जाऊंगी, कब खाना पकाऊंगी, सारा आधे से ज़्यादा काम में छोड़ के आई। अरे मेरी अनाबिया हो रही है बोर, है ना अनाबिया, जब पता तो चले क्या है भाई राशन ऑफिस, रौशन ऑफिस है ये पहले रखे जितने भी है यही बोल रखे है मैं थी पहले ही ऑफिस। तो फ्रेंड्स लोग मैं घर पे आई हूँ, मुझे फिर जाना है 2 बजे। अब मैं खाना पकाऊंगी, देखो घड़ी में बज रहा है 1:10 का। सफ़ी ने मेरा बर्तन भी धो लिया, झाड़ू पोता भी कर लिया, अल्लाह ऐसे ही औलाद हर किसी को दे रहे। तो फटाफट मैं खाना पका के, खाना खा के फिर जाएंगे हम लोग। केवाईसी नहीं हुई है, केवाईसी के बारे में मैं आप लोग को सब बताऊँगी, क्या है केवाईसी का मतलब भी क्या, और क्या करवा रहे हैं लोग। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, जरा मैं खाना पका लूँ, बर्तन भी धो लिया इसने मेरा, आज 4 काम किया, लेकिन मेरा बाकी काम और रुका हुआ है क्योंकि इसको 2 बजे जाना है ट्यूशन। 2 बजे के अंदर मेरे को खाना पकाने का, तो फटाफट में पहले आलू गोभी की भाजी बना। गाइस लोग तो काम रुकना नहीं चाहिए, आटा गूंथ लिया मैंने बहुत फटाफट, भाजी भी होगी मेरी, 2 सीटी आ चुकी, 3री आनी बाकी, आलू गोभी बना रही हूँ मैं। वैसे तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, कढ़ाई में टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन क्या मुझे कुकर में पकाना पड़ा क्योंकि हम भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है। तो चलो फिर वहाँ पहुँच के बताऊँगी मैं, 2-2:30 बजे हम लोग को निकलने का खा के। अनाबिया भी कर रही होमवर्क सुबह से आधे साल, अभी मेरा ये माल मारना बाकी है, अभी ये वहाँ से आने के बाद ही माल लगेगा, और इसने दिवाली होमवर्क बाकी है। ओहो हो गई 3 सीटी तो ज़्यादा गल गई। तो चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये हम वापस आए हैं ऑफिस के अंदर, हम लोग चले गए थे 1:15 को, और अब आए हम लोग 3:10 को वापस। और देखो अभी हमारा नंबर कितनी देर में आता है, 4 बजता 4:30 बजता, मैं सब अपना काम हम करके आई। तो बज चुके हैं शाम के 5:30, और अनाबिया खेल रही है बाटली से और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। अब देखो आगे क्या होता है और कितना बजेगा, 5:30 तो यही होगा, और भीड़ बहुत ऊपर कच्चा कच है। अरे यहाँ की मार्केट है, सब मार्केट वगैरह लगी पड़ी है पीछे से लेकर आगे तक, देख लो ये अल्लाह ऐसी होता है। खड़ी हो गई। हम लोग घर आ गए, अभी हमारे को आके 1 घंटा हो गया, हम लोग 7:15 को आए हैं, जब हम इशा की अजान होने वाली थी। तो अभी अम्मी ने खाना बना लिया है, अम्मी इधर आओ, मैं पी रही हूँ गरम गरम पानी। सरकारी काम तो सरकारी काम ऐसे ही रहता है, सुबह 9 बजे से जाओ तो चाहे तुम शाम में 6 बजे आओ चाहे 7 बजे आओ। तो ये हमारे राशन कार्ड था,
इस पे हम चारों के मतलब केवाईसी के लिए हम लोग गए थे, और जो नहीं जैसे जो नहीं हुए जो बाहर गांव चले गए उनका नाम डिलीट कर दिया जाएगा राशन कार्ड में से, और जो मर चुके हैं उनका भी लोग राशन लेते हैं। तो केवाईसी का मतलब यही है कि वो लोग सामने देखेंगे, सबका फिंगर लेंगे, आधार कार्ड से ये लिंक होगा। तो ये आधार कार्ड है, हम लोग ने आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके गए थे ऑफिस के अंदर। घंटों खड़े रहने के बाद हमारा नंबर 6:30 बजे आया, 6:30 बजे आया। फिर उसके बाद हमारा मतलब प्रोसीजर जो चल रहा था वहाँ पर अंदर, बस वो होते 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 अनाबिया सफी का तो उसी दिन हो गया था, आज से 2-3 दिन पहले। और एरिया के अंदर भी हमारे हो रहा है, एरिया के अंदर कुछ लोगों का उनसे हो गया जो संस्था खोल के बैठे हैं, लेकिन हम लोग को मेन ऑफिस में जाना पड़ा था क्योंकि हमारा यहाँ से नहीं हुआ। तो जब हम लोग केवाईसी वगैरह सब करवाए तो उन्होंने ये पूरा वहीं से अपने प्रिंटेड में से छाप के दिया है। देखो मुझे तो गुजराती पढ़ते आते नहीं, लेकिन जिसको आती है वो जरूर पढ़ लेना। सबसे लास्ट में हमारा नाम होता है, कास्ट में मेरा भी एक असल नाम है। और इसके चाचा का नाम इसलिए काटना पड़ा क्योंकि वो दुबई में बैठा है, उसका नाम भी हमारे इसके कार्ड के अंदर ही था। उसका जब तक डिलीट नहीं करते और जब तक हमारा कार्ड पास नहीं हो पाता, इसलिए उसने तुरंत खड़े पे उसी वक्त डिलीट किया। फिर हम चारों का नाम डाला, उसके बाद हमारी ये पूरा हो गया केवाईसी हमारे राशन कार्ड। तो आप लोग भी ये गलती मत करो, जाके मेहरबानी करके जो भी है जैसा भी अपना प्रूफ पुरावा जो भी पक्का कर लो, क्या पता आगे आने वाले टाइम में हमारे और क्या क्या चीज़ काम में आवे, क्योंकि पासपोर्ट वगैरह बनाने में बच्चों के यही सब काम में आएगा पूरा। केवाईसी का मतलब यही है कि जो लोग हैं उनको सामने मौजूद होना पड़ेगा जब भी राशन मिलेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग मर चुके होते हैं तो भी लोग उनके राशन लेते हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि हमारा राशन कार्ड रहता है, हम दूसरों को किसी को देख के चले जाते हैं कि तुम राशन लेना, हम होके आते हमारी जगह पे। इसलिए केवाईसी इसलिए लागू किया है, अभी फिलहाल 10 महीना 11 महीना हो गया, फरवरी से चालू है ये। तो ये अब देखेंगे कि ये व्यक्ति है जिंदा है, ये बैठा ये सामने ये आएंगे उन लोगों को देख के, फिर उन लोगों का नाम डालेंगे राशन कार्ड में। तो जिस जिसके शहर में ये केवाईसी हो चुकी है तो कमेंट में मुझे बताना, और जिसकी नहीं हुई है उसके लिए मैं जानकारी के लिए केवाईसी का मतलब क्या होता है ये बता दिया है मैंने। तो मेरे चैनल को फुल सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना भूलना मत। और क्या बोल रही है, बोले क्या बोल, अनाभिया को बोलना है भी, मैं नहीं बोलूँगी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। और अभी मैं कर रही हूँ पेंट। हाँ तो ये अभी कर रही है माल, क्योंकि मैं पहले ही सब खाना वाना खा के हम लोग सब करा के गए थे, क्योंकि हम लोग 9:00 बजे गए थे। फिर हम लोग को उन्होंने बोला कि काम करो, हमने तुम्हारा नंबर लिख लिया 74 नंबर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज़ मेहरबानी करके पहले इंक्वायरी कर लेने का, जहाँ भी जाना है ऑफिस में सरकारी ऑफिस में वहाँ से पहले इंक्वायरी करने का, क्या है क्या नहीं है, कैसे टोकन लेना है नहीं लेना है, कैसे राशन कार्ड अंदर जमा करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत हमने बहुत झपा मारी कि मुझे मालूम है क्या हुआ। सुबह हम लोग जो गए पहले लाइन में खड़े हुए, बोले टोकन लेना है। जब वो 11 बजे उसने ऑफिस खोला तो कोई टोकन तो अंदर मिला नहीं, क्योंकि वो बाहर जो चौकीदार था उसने नाम लिख के लेके चला गया था और उसने ऊपर जमा कर दिया। अब वो करते धरते हम लोग को बजा 1:50 तो उसने बोला तुम्हारा नंबर मैं ले लेता हूँ 74 नंबर, तुम जाओ खाना वाना खा के 3-3:30 बजे तक के आना। हम लोग 3:30 बजे गए, 3:30 बजे भी हमारा नंबर नहीं आया, 4 बजे भी नहीं आया, करते करते 6:30 बजे आया हमारा नंबर। और ये इसने तो इतना सता दिया था, या अल्लाह, इसे ऐसा लग रहा जैसे मेरे अब्बा अंदर बैठे ऑफिस में सारा काम इनको फटाक से करके देने के लिए। तो मेहरबानी करके कोई भी चीज़ की पहले इंक्वायरी कर लेने का अच्छी तरीके से, और किसी को भी अच्छे तरीके से बता दो कैसे जाना है क्या नहीं जाना है। जब ऑफिस में जाओ तो अंदर जो बैठते कर्मचारी लोग उनसे पूछ लेने का कि भाई ऐसी ऐसी मैटर है सर, हम लोग कैसे आए, किस कितने बजे आए, हमको क्या क्या चीज़ लाना है हमारे ये सब काम के लिए, पहले ही पूछ के चले जाने का, फिर उसके बाद दूसरे दिन जाके काम करना। कुछ काम नहीं था, बस 2 मिनट में हुआ, उसने राशन कार्ड मतलब डाला कंप्यूटर के अंदर, डालने के बाद उसने अपना आधार कार्ड देखा, हमारा फिंगर लिया जो मशीन से ले लेते, उसमें जैसे वो लिंक पास हुआ उसने पास करके हमको ये फॉर्म दे दिया। ये मैं फॉर्म अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसमें हम चारों का नाम कैसे क्या है, इसमें देख लेना। ये हमको मिल गया, हमारा आज केवाईसी फाइनल हो गया कि हम लोग है। क्या हंसी यार, इसमें हंसने की क्या बात है, अभी इनको स्कूल वगैरह में भी ये सब लगेगा, मांगेंगे उन लोग केवाईसी हुआ है तुम्हारे, सब पूछेंगे। तो जिसका नहीं हुआ केवाईसी प्लीज़ जाके करवा ले रहे केवाईसी। तो चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।
लाइक सब्सक्राइब करना बोलना मत और कमेंट में जरूर बताना आपका हमारा कैसा व्लॉग लगता है। घंटा बटन दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।